हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में चर्चा करेंगे आपका मोबाइल में जो भी फ़ोन रिकॉर्ड होता है, कॉल रिकॉर्ड होता है, उस सेव जाके कहाँ होता है। ठीक है ना, जो मतलब कोई भी फाइल से रिकॉर्ड होता है आपका, जो ऑडियो वॉइस जो रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो कहाँ पे जाके सेव होता है, तो आपको इस वीडियो पे यही बताएंगे। चलो पहली बार आप आए हैं जिनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा, इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको बता दें, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे कि अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सा सिस्टम होता है। तो आपको बता दें, अगर आप कोई ऐप के जरिए आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर वो हाइड भी करता है, ठीक ना, आपका मोबाइल में ऐप अगर हाइड भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सेटिंग पे चले जाइएगा, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप देखने को मिलेगा। ऐप ऐप को टैप कीजिएगा। अगर वो अलग से कोई ऐप को इंस्टॉल किया है मोबाइल में तो यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा। और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के, अगर देखिए कॉल रिकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐप वो इंस्टॉल करता है तो कॉल रिकॉर्ड नाम का ही कुछ होगा। चाहे कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी नाम हो, तो आपको चलिए बैक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगर कुछ भी नाम हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है अलग अलग, मतलब हाँ, इन कॉल रिकॉर्ड फर्स्ट नाम तो कॉल रिकॉर्ड ज़रूर होगा। जैसे कि आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर हम अगर लिखते हैं कॉल रिकॉर्ड, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐप आता है, लेकिन ना ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड या फिर बहुत सारे ऐप लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे आपको जितना सारे देख सकते हैं, जिस नाम का अगर रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, तो उस नाम का यहाँ पे आपका लिस्ट में आ जाएगा। अगर उस नाम से अगर कोई भी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल है, अगर ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर ए पे लिखा हुआ आएगा, अन्यथा सी पे। आप पूरे ऐप को इस तरह इसको करके देख सकते हैं। अगर वो आपका एक्सटर्नल कोई ऐप इंस्टॉल है तो उसे बैक करते हैं। और बैक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे, यहाँ पे भी ऐसे होता है बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे हर एक मोबाइल का, अगर देखिए बता दें आपको कि सबका कॉल रिकॉर्ड ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे कि जितने सारे आपका कॉल रिकॉर्ड होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बताते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जो आपका ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, मतलब कि इंस्टॉल और अनइंस्टॉल या फिर अपडेट लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं कोई दूसरा ऐप जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे फोनटो मेरा यहाँ पे एक लिखा हुआ है फोनटो, तो देखिए ये मैं पहले से इंस्टॉल हूँ, तो देखिए इसे सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है, देखिए अपडेट लिखा हुआ है ना। तो इस तरह यहाँ पे जैसे कॉल रिकॉर्डर यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत सारे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाता है, अगर वो कोई अलग से इंस्टॉल किया है तो। अन्यथा आप ऐसा करें, जो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर पर टैप के चल जाइएगा, और वहाँ पे आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फाइल मैनेजर, हम बैक करते हैं यहाँ से और फाइल मैनेजर पर चल जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडियो, देखिए फर्स्ट में इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, एपीके है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, तो आपको ऑडियो पे टैप करना है। जैसे ऑडियो पे टैप कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ जाएगा, जितने सारे MP3 फाइल बनता है, वो रिकॉर्डिंग जो होता है वो MP3 फाइल होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्क्रॉल करना है, हर एक फोल्डर को देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते करते जाना है, और जहाँ पे रिकॉर्ड होगा देखिए माइक का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड है, एक कॉल है, वॉइस रिकॉर्डर, देखिए यहाँ पे सिंबल जो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका जो सिंबल है देखिए ग्रीन ग्रीन है, ये सब मेरा MP3 फाइल है ग्रीन, और जो रेड हो जाता है देखिए यहाँ पे जो रेड है, ये रेड है, देखिए ये रिकॉर्डिंग का है, देखिए कॉल लिखा हुआ। इसी तरह आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ रेड आएगा और कॉल रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए ये सब MP3 फाइल है, देखिए ग्रीन है और यहाँ पे देख सकते हैं रेड है, तो इसका समझ लीजिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग है या फिर कॉल रिकॉर्डिंग है। देखिए कॉल लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड आ गया। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक कर सकते हैं, इस पर टैप करेंगे, और ऐसे भी आप यहाँ पे 3 डॉट पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन आइकन था। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो नीचे में कोने में देख सकते हैं यहाँ पे शेयर लिखा हुआ, देखिए यहाँ नीचे इसे टैप करते हैं इस पर, और यहाँ फर्स्ट में मूव कॉपी डिटेल शेयर एंड डिलीट, तो डिलीट पर टैप करेंगे तो डिलीट हो जाता है, अन्यथा आपको टोटल डिलीट करना है तो इस फोल्डर पर आपको टैप कर देना है, और टैप करते ही देखिए डिटेल शेयर और डिलीट, डिलीट पर ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे, डिलीट हो जाता है पूरा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।